अब यहाँ पे हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 इसी थ्योरम से सॉल्व होगा, जिसमें अभी हमने स्टडी किया है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स ओवर एक्स 1 के इक्वल होगा। ठीक है, एक्स अप्रोचेस टू 0 के लिए साइन एक्स ओवर एक्स 1 के इक्वल होगा, यानी जो चीज़ आपके पास एंगल में है उसी के साथ आप डिवाइड कर रहे हैं, ये चीज़ आपके पास 1 के इक्वल होगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन 7x ओवर एक्स। ठीक है, तो जिस तरह से हमने एग्जांपल की है उसी तरह से अब यहाँ पे हमारे पास एंगल के अंदर 7x है और नीचे हमारे पास जस्ट x है। ठीक है, 7 की कमी है तो हमने 7 के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। जो हमने डिवाइड किया वो आपके पास 7x आ गया, और जो मल्टीप्लाई किया उसको आपने लिमिट से बाहर लिख लिया, जो हमने थ्योरम कल पढ़ा था उसके मुताबिक ये 7 जो है ये आपके पास बाहर आ जाएगा। इसके ऊपर हमने थ्योरम अप्लाई करते हुए, ये वाला थ्योरम अप्लाई करते हुए इसको 1 के इक्वल रख दिया है, तो ये मल्टीप्लाई होकर आपके पास 7 आ गया। अब इसके सेकंड पार्ट में जो काम इम्पॉर्टेंट, ये सेकंड पार्ट इम्पॉर्टेंट है, और इसमें इम्पॉर्टेंट बात क्या है, यहाँ पे आप देखें कि एंगल आपको डिग्री में दिया हुआ है, और हमने ये जो थ्योरम स्टडी किया है इसमें हमने पढ़ा है कि थीटा की वैल्यू आपके पास क्या होगी, रेडियन में होगी, यानी एंगल आपके पास रेडियन में होगा। तो आपने यहाँ पर एंगल को पहले कन्वर्ट करना है रेडियन में। अब रेडियन के लिए आपने ये चैप्टर नंबर 9 फर्स्ट ईयर के अंदर स्टडी किया हुआ है कि किस तरह से रेडियन के अंदर एंगल को कन्वर्ट करते हैं। 180 डिग्री आपके पास पाई रेडियन के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास 1 डिग्री किसके इक्वल आ जाएगा, पाई ओवर 180 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से x डिग्री आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, वो साइड पर आपने x के साथ मल्टीप्लाई किया, x पाई बाय 180। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपके पास एंगल के अंदर आपके पास है पाई बाय 180 एक्स, और यहाँ जस्ट आपके पास एक्स है, तो आपने पाई बाय 180 के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया और आपने उसके साथ डिवाइड भी कर दिया। जो आपने डिवाइड किया वो आपके पास इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो आपने मल्टीप्लाई किया है उसको हम बाहर लिख लेंगे। और आगे हमने थ्योरम अप्लाई करते हुए अगेन जो चीज़ एंगल में है उसी के साथ डिवाइड हो रहा है, साइन है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 है। इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि एक्स अप्रोचेस टू 0 के लिए ये थ्योरम होल्ड करता है, जस्ट एक्स अप्रोचेस टू 0 के लिए। तो यहाँ पे आपके पास जो है ये फिर जो है 1 के इक्वल आपने इसको पुट किया, और ये आपके पास पाई बाय 180 इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अगर आप इसके अंदर देखें तो यहाँ पे आपके पास जो है वो 0/0 फॉर्म बन रही है। ठीक है, जब आप लिमिट 0 पुट करेंगे तो कॉस 0 क्या होता है, आपके पास 1 होता है, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, और साइन 0 आपके पास 0 होता है। ये 0/0 फॉर्म बन रही है, तो इसको आपने पहले सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, सिंप्लीफाई करने के लिए आपने नीचे से साइन थीटा को ख़त्म करना है। अब साइन थीटा को आपने किस तरह ख़त्म करना है, हमें पता है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, तो हमने यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लाना है। उसके लिए हमने क्या किया, 1 प्लस कॉस थीटा के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया, 1 प्लस कॉस थीटा के साथ डिवाइड भी कर दिया। ऊपर आपके पास 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला आपने क्लोज किया, तो आपके पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आपके पास क्या आ जाएगा, इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा आपके पास कैंसिल होंगे, ऊपर आपके पास रह जाएगा साइन थीटा, नीचे रह जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। अब इसके ऊपर डायरेक्ट आप लिमिट अप्लाई करें क्वोशेंट रूल से, ऊपर लिमिट अलग अप्लाई करें, नीचे लिमिट अलग अप्लाई करें। तो जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो साइन 0 0 हो जाएगा आपके पास, और कॉस 0 1 हो जाएगा। तो अब आपके पास 1 प्लस 1 2। अब ऊपर आपके पास 0 ही है, लेकिन डिनोमिनेटर में आपके पास 0 नहीं आया, 0/0 फॉर्म अब ये नहीं रही, आंसर आपके पास इसका 0 आएगा। इसी तरह से हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में आपके पास जो है फोर्थ पार्ट में अगेन आपके पास 0/0 फॉर्म बन रही है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, एक तो हमारे पास 0/0 फॉर्म बन रही है, दूसरा हमारे पास एक्स अप्रोचेस पाई है, एक्स अप्रोचेस 0 नहीं है। उसके लिए हमने क्या किया है, ये पाई माइनस एक्स को हमने टी के इक्वल पुट कर दिया, पाई माइनस एक्स को टी के इक्वल पुट कर दिया। वैसे भी आप देखें तो साइन पाए आपके पास 0 होता है, और अगर आप यहाँ पाए पुट करें तो पाए माइनस पाए 0/0 फॉर्म बन रही है। तो उसके लिए हमने क्या किया है, एक्स पाए माइनस एक्स को हमने टी के इक्वल पुट कर दिया। अब यहाँ से आपके पास जो है वो
पाई एक्स की वैल्यू फिर हमारे पास क्या आ जाएगी, एक्स की वैल्यू हमने क्यों निकाली है, क्योंकि यहाँ साइन एक्स, एक्स की जगह फिर हमने देखना है क्या पुट करना है, तो उसके लिए हमने एक्स की वैल्यू निकाली, एक्स की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, पाई माइनस टी। अब जब आपके पास एक्स पाई को अप्रोच करेगा, ठीक है, एक्स पाई को अप्रोच करेगा, तो आपके पास टी किसको अप्रोच करेगा फिर, पाई, अगर आप एक्स की जगह वैल्यू पुट करते हैं इस इक्वेशन में पाई, ठीक है, तो आपके पास पाई माइनस पाई इज इक्वल टू टी, यहाँ से पाई और पाई कैंसिल होकर आपके पास टी किसके इक्वल आ गया, जीरो के इक्वल आ गया, तो लिमिट टी अप्रोचेस टू, अब यहाँ पे आप सब्सटीट्यूट करें, ठीक है, जब आपके पास एक्स पाई को अप्रोच कर रहा है, टी जीरो को अप्रोच कर रहा है, तो लिमिट एक्स अप्रोचेस पाई की जगह क्या आ गया, टी अप्रोचेस जीरो, एक्स की जगह क्या वैल्यू आ गई आपके पास, पाई माइनस टी, और पाई माइनस एक्स को आपने किसके इक्वल पुट किया था, टी के ऊपर। अब आगे हमने क्या किया, हमने साइन ए प्लस ए माइनस बी का फार्मूला ओपन किया है, उसमें आपके पास क्या होता है, साइन ए कॉस बी, ये मैं आपको यहाँ लिख के भी बता देती हूँ कि आपके पास साइन ए माइनस बी इक्वल होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, या आपने जो है वो फर्स्ट ईयर में ये फार्मूला जो है वो स्टडी किया हुआ है, जिसमें हम आपको मैंने बताया था कि अगर साइन होगा और दरमियान में नेगेटिव साइन होगा तो दरमियान में आपके पास नेगेटिव साइन आएगा और एंगल आपके पास आएंगे साइन कॉस की फॉर्म में, फर्स्ट एंगल का साइन सेकंड का कॉस माइनस फर्स्ट का कॉस सेकंड का साइन, ठीक है, तो उसी फार्मूला से हमने इसको ओपन किया है, और उसके बाद ओपन करने के बाद हमारे पास कॉस पाई ज़ीरो होता है, सॉरी साइन पाई ज़ीरो होता है, तो ये पूरी टर्म आपके पास ज़ीरो हो जाएगी, और कॉस पाई हमारे पास इक्वल होता है माइनस वन के, माइनस वन आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस वन। अब यहाँ पे देखें लिमिट टी अप्रोचेस ज़ीरो साइन टी ओवर टी, ठीक है, टी ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है, जो एंगल है उसी के साथ डिवाइड कर रहे हैं, तो ये आपके पास वन के इक्वल आ जाएगा थ्योरम की फॉर्म से। अगेन अगर आप इसमें डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं तो साइन ज़ीरो ज़ीरो हो जाएगा, ज़ीरो ओवर ज़ीरो फॉर्म बन गया। अब यहाँ पे हमने साइन ए एक्स थ्योरम अप्लाई करने के लिए जो एंगल है उसकी वैल्यू हमें यहाँ पे चाहिए, ठीक है, तो ए एक्स के साथ आपके पास लाने के लिए हमने क्या किया, ए एक्स के साथ डिवाइड कर दिया, और इधर एंगल आपके पास है बी एक्स, तो हमने बी एक्स के साथ जो है मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगर हमने यहाँ डिवाइड किया है तो हमें मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, और यहाँ मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ डिवाइड भी करना पड़ेगा, यानी यहाँ पे हमने ए एक्स के साथ मल्टीप्लाई भी किया था, डिवाइड भी किया था, जो मल्टीप्लाई किया है वो यहाँ लिखा हुआ है, जो डिवाइड किया हुआ है वो आपके पास यहाँ आ गया। इसी तरह से बी एक्स के साथ हमने मल्टीप्लाई भी किया है, डिवाइड भी किया है, जो मल्टीप्लाई किया है वो यहाँ आ गया, जो डिवाइड किया वो आपके पास यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे आपके पास जो है वो लिमिट एक्स अप्रोचेस ज़ीरो, इसको हमने थोड़ा अरेंज करके लिख लिया, यहाँ एक्स एक्स के साथ कैंसिल हो जाएगा। अब ये ए ओवर बी आपके पास कॉन्स्टेंट टर्म्स होंगी, तो इनके ऊपर लिमिट आपके पास सेम ए ओवर बी ही आ जाएगी, और इधर थ्योरम अप्लाई करते हुए लिमिट ज़ीरो को अप्रोच करिए, जो एंगल है उसी के साथ आप डिवाइड कर रहे हैं, दोनों की वैल्यू आपके पास वन आ जाएगी, और यह आंसर ओवरऑल आपके पास ए ओवर बी आ जाएगा। अगेन जो हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है उसमें ज़ीरो ओवर ज़ीरो फॉर्म बन रही है, अगर आप वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ पर वैल्यू ज़ीरो, ठीक है, और टेंजेंट एक्स टेंजेंट ज़ीरो भी आपके पास क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो आपने इसको जो है वो फॉर्म सॉल्व करना है, टेंजेंट आपके पास किसके इक्वल होता है, साइन ओवर कॉस के इक्वल होता है, और ये आपके पास हमने इसको अरेंज करके लिख लिया है, ठीक है, ये आप देख लें, जस्ट हमने अरेंज किया है, और प्रोडक्ट रूल के मुताबिक लिमिट को अलग अलग अप्लाई किया। अब यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे ये वन आ जाएगा, इधर लिमिट अप्लाई करेंगे तो कॉस ज़ीरो आपके पास क्या होता है, वन होता है, वन मल्टीप्लाई बाय वन आपके पास वन आ जाएगा। बाकी के पार्ट्स आप लोग जो है वो